हरिओम, मैं सुमेधा वीरा जांबोड़ेकर बैंड्रा ईस्ट उपासना केंद्र से बोल रही हूँ। बापू के परिवार में मैं 1999 से आ गई हूँ और बापू ही सिर्फ हमारे सदगुरु ही नहीं, हमारे दोस्त थे। ऐसे बहुत सारे अनुभव दयालु बापू ने हमें दिए, लेकिन उसमें से कोई अनुभव है जिसमें बापू ने सिर्फ मेरे ही नहीं मेरे परिवार की भी जान बचाई है, वो करुणामय अनुभव मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक दिन बैंड्रा में रहते हुए रात को अचानक 10 बज के गए थे, मेरा बेटा रोहित हमारे पीछे लगा कि आज हम घूमने बैंड स्टैंड जाते हैं, और मैं उसको मना की कि बहुत लेट हुआ है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। और मेरे पति ने भी बोला कि चलो बेटा बोल रहा है तो आधा घंटे के लिए जाके आते हैं। ऐसे हम 10:30 बजे घर से निकले और बैंड स्टैंड जाने के लिए मारुति कार से निकले। उस दिन भी मेरे को मन में लग रहा था कि नहीं जाए करे, लेकिन बेटा सुन नहीं रहा था। मैं राम रक्षा पढ़ रही थी मन ही मन, जो बापू ने आदत डाली है खाली बैठने से अच्छा कि राम रक्षा पठन करूँ, तो राम रक्षा का जप मेरे मन में था। हमारी गाड़ी बैंड्रा के फ्लाईओवर ब्रिज पर आ गई। नीचे बड़ा समुंदर दिख रहा था, बाजू से जोरों से गाड़ियाँ जा रही थी और रात का टाइम था। हम तीनों शांति से जा रहे थे, अचानक गाड़ी के सामने एक पत्थर आया और हमारी गाड़ी उसको टकरा के पूरी तरह उल्टी हो गई। और 2 सेकंड के लिए हम तीनों इतने डर गए कि बापू के सिवा कोई नाम याद ही नहीं आ रहा था। बापू क्या हुआ, बस इतने हम बोले। और बापू ने हमें डरने को भी नहीं दिया जा रहा टाइम, किसी ने आकर हमारी गाड़ी पूरी तरह सुलटी करके पूर्व स्थिति में ला के रखी। सिर्फ 2 सेकंड की बात हुई, लेकिन हम तीनों सोचने लगे कि कौन है, गाड़ी कैसे ठीक हो गई। और देखा तो गाड़ी को एक भी क्रैक नहीं था और हम तीनों को शादी से खरोच भी नहीं आई थी। हम तीनों पूरे रीत से सुरक्षित रीत घर पे आ गए। ये तो हमको बहुत बड़ा अनुभव आ गया तीनों को रात को। वैसे ही एक अनुभव है 26 जुलाई को, जब भी बॉम्बे में बहुत पानी का ये था और बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तभी मैं जूहू में क्लिनिक में काम कर रही थी। उस दिन सुबह से ही मुझे फीवरिश लग रहा था, बुखार जैसा, कि नहीं जाऊं, लेकिन ऑफिस से करके मैं निकल पड़ी। ऑफिस में 3 बजे तक काम में बहुत बिजी थी। उसके बाद खबरें आना शुरू हुई कि बहुत बारिश आ रही है बॉम्बे में, बहुत बारिश। तो 4 बजे क्लिनिक बंद करके मैं घर के लिए निकल गई। जूहू में 255 के स्टॉप पर पहुँची तो बारिश बहुत थी और रोड पर थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हुआ था। बस भी आ गई, बस में बैठ गई। बस में 10 मिनट बस आगे गई और पानी की इतनी सारी समुद्र की लाटें आने लगी कि बस भी रुक गई, लाइट चले गए और सब हैरान हो गए कि पानी कहाँ से आ रहा है। हमें तो खबरें थी कि बारिश आ रही है, लेकिन पानी बहुत सारा आने लगा, सिर तक पानी आने लगा। तो मैं बहुत डर गई कि बापू अभी क्या करूँ। बापू से ही बात कर रही थी, अचानक एक लेडी बस में आ गई और बस में इतने सारे लोग थे, लेकिन वो लेडी मेरे पास आके बैठी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और मुझे बोली तुम डरो मत, और 2 जन आ रहे, हम तीनों बाद में बस से उतरेंगे। तभी मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई तो है मेरे साथ बात करने वाला, और बहुत डरावनी वो याद आके भी मुझे अभी भी हाथ पे काटे आ रहे कि क्या हो रहा था, क्योंकि पूरा पानी जोर से आने लगा, पूरा समुद्र रास्ते पे घुसने लगा था, बस के सीट के ऊपर पानी आने लगा और वो 2 आदमी आ गए। ऐसे हम तीनों जन बस से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन वो एक आदमी ने मेरा हाथ थामा था। उसने बोला डरो मत, बस से उतरना पड़ेगा ही। हम तीनों बस से उतरे, पैर पानी में रखने को डर लग रहा था क्योंकि मेरी हाइट तो सिर्फ 5 फुट है और मेरे से लंबे लोगों के कंधे के ऊपर पानी आ रहा था, तो मैं डर डर के पानी में पैर डाल रही थी। वो आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। ऐसा हमारा पानी का प्रवास शुरू हो गया और देखो तो पूरा अंधेरा, पानी ही पानी और बहुत सारी भैंसें मरी हुई थी, किसी का सींग हाथ को लग रहा था, ऐसा डरावना लग रहा था ना तभी कि बोल नहीं सकती। हम पानी से जा ही रहे थे, वहाँ मिठीबाई कॉलेज के पास आ गए। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पानी के अंदर बूड़ गई थी और मैं और वो आदमी जैसे जा रहे थे, पानी का इतना फोर्स है कि वो आदमी का और मेरा हाथ छूटने लगा। तभी मैं बहुत डर गई क्योंकि उसका हाथ छूट गया तो एक गाड़ी का टॉप होता है ना, टॉप, उसको मेरा हाथ लगा, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो हाथ भी मेरा फिसलने लगा क्योंकि पूरा स्लिपर ही हुआ था पानी से, और पानी के फोर्स से पैर ऊपर आने लगे। तो पानी से पैर ऊपर आ रहे हैं, हाथ फिसल रहे हैं, ये कंडीशन में मैं बापू को इतना ही बोली, बापू अभी 108% मैं समुद्र में बह के जाने वाली हूँ, क्योंकि कोई नहीं था तभी मेरे पास, पूरा अंधेरा, पानी जोर से आ रहा था। और आप मानोगे नहीं, एक लंबा सा आदमी काठी लेके मेरे सामने आके खड़ा हो गया।
वो आदमी की मूछें एकदम सफ़ेद सफ़ेद जैसे अभी बापू रखते वैसे मूछें थी, मुझे मेरे लिए वो बापू ही थे, लेकिन वो लंबा आदमी मेरे सामने आ गया और उसने मुझे बोला कि तुम अपने हाथ से मुझे पकड़ो तो मैं तुम्हें पानी के फोर्स से बाहर निकालूंगा। मेरी बीबी आके आगे बैठी है, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है, तुम चिंता मत करो। मुझे वो शब्द उनके याद है बस, और मैं पूरा टाइम बापू से ही बात कर रही थी और किसी की याद तभी मुझे नहीं आई। और दो सेकंड में मुझे पता नहीं चला कि मैं एक ऐसे रास्ते पे आके मुझे छोड़ा वो आदमी ने कि पानी सिर्फ घुटने तक था, वहाँ मीन्स पूरा गहरा पानी चला गया था। मैं आगे देखती हूँ तो हैरान हो गई, वो तीनों जन वापस मुझे मिले और मुझे वो एक घर लेके गए वहाँ। मुझे बोले यहाँ हमारा घर है, अभी तुम इधर ही रुको। वो घर लेके गए, घर में पूरा बिल्डिंग सब अंधेरा अंधेरा था, लाइट नहीं थी, लेकिन उनके घर में गर्म पानी उन्होंने मुझे दिया। मुझे अभी भी याद है कि पूरा भीग भीग के मैं एकदम ठंडी ठंडी लग रही थी, गर्म पानी दी, कपड़े बदलने के लिए दिए, फिर गर्म गर्म खिचड़ी सफरचंद खाने को दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला यहाँ तो सो जाना, आराम करना। तो मुझे फिर याद आई जब मैं ठीक हो गई कि अरे मेरा बेटा कहाँ है, पति किधर है, तो फ़ोन तो सब बंद हुए थे, क्या करूँ। वो तीनों देवता थे, वो मुझे बोले हम ट्राई करते हैं मोबाइल पे। उन्होंने एक मोबाइल पे ट्राई किया और एक आश्चर्य की बात है कि मेरे पति से और बेटे से दोनों से मेरी बात हो गई, दोनों से, दोनों सुरक्षित थे। तो फिर मेरा वो भी टेंशन गया, पूरी रात मैं उधर रुकी और दूसरे दिन सुबह मेरे घर पे आराम से पहुंची। इतना ख्याल बापू ने मेरा किया है कि सब लोग तभी बाढ़ के टाइम रोड पे रहे थे, किसी को बिस्किट खा के रहना पड़ा। मुझे बहुत अनुभव देते, लेकिन बापू मेरे इतना प्यार करते कि बापू ने मुझे इतनी से भी तकलीफ होने नहीं दी। ये तीसरा अनुभव जो मैं बोल रही हूँ वो गोवा का है। जैसे हम बॉम्बे के बाहर कोई काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी बापू हमारे साथ होते ही है। मेरा बेटा रोहित है, वो 10वीं और 12वीं केवल बापू कृपा से हो गया है, क्योंकि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, वो पूरा टाइम कंप्यूटर पे खेलता था और बस आनिक करता था, आनिक पढ़ना और जो प्रत्यक्ष में चित्र और जप आते हैं वो करता था, क्योंकि मैं उसे करा के ही लेती थी, बाद में उसको भी आदत हो गई। फिर बाद में जब ही वो होटल मैनेजमेंट की CET देने की बात की तो हम सब हैरान हो गए, हमारे फैमिली में किसी ने भी ये लाइन नहीं ली थी। फिर उसको उसने बोलता नहीं मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा, और उसने CET दी और अच्छी तरह वो उत्तीर्ण हुआ। उसको उसका 1000 के अंदर रैंक आ गया पूरे इंडिया में, और गोवा के गवर्नमेंट कॉलेज में उसको एडमिशन मिला। वहाँ पे भी हमें कोई डोनेशन नहीं देना पड़ा, मेरिट लिस्ट पे उसका नाम आ गया। उसके लिए हम गोवा जा रहे थे, गोवा पोरवरी में गए, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई, उसका रहने की व्यवस्था भी अच्छे दोस्त के साथ हॉस्टल में हो गई। उसके बाद मैं और मेरे पति गाड़ी देख रहे थे, क्योंकि कलंगुट बीच के पास एक होटल में हम रुके हुए थे, हमारा सामान उधर था, और ये पोरवरी में मेरे बेटे का कॉलेज था। तभी 8:30 होने को आए और मुझे पता चला कि गोवा में तो ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाता है, ये मुझे पता नहीं था। और पूरा गाड़ी नहीं, बस नहीं, कुछ नहीं, हम रोड पे खड़े आधे घंटे से। मेरे पति बहुत थके हुए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले, कपड़े बदलने थे, अभी नया नई जगह कहाँ रहेंगे रात को, ऐसा हम सोचने लगे। तो मैं बोली बापू अभी तुम कोई कुछ भी करके हमें होटल में पहुंचा दो, बस यहाँ रोड पे नई जगह हम नहीं रह सकते। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पति भी अपसेट थे और बापू के सिवा कोई नहीं ना, बापू तो दोस्त थे। मैं बापू को इतने मन में बोली और 2 मिनट में एक आदमी पीछे से आया, उसने कोला काले रंग का कोट डाला था। मुझे बोला वो कि आपको क्या परेशानी है, तो मैंने उसको बोला कि हमें कैसे भी कलंगुट बीच पहुँचा दो, वहाँ पर होटल में हम रुके हैं, यहाँ पर हमारा घर नहीं है, अभी क्या करें, यहाँ बस नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो वो बोला कि आप चिंता मत करो, 2 मिनट दो। वो एक छोटे से झोपड़े से घर में गया और एक आदमी को साथ में लेके आया। वो बोला ये ड्राइवर है, वो सेंट्रो गाड़ी में आपको छोड़ेगा, आप चिंता मत करो। सच्ची मैं सोची भी नहीं थी कि क्या हो सकता है 2 मिनट में। उसने भी सेंट्रो गाड़ी में बैठा कर बड़ी तेज़ी से और एकदम आराम से भी कलंगुट में पहुंचा दिया। तो मेरे पति उसको पूछ रहे थे कि आप कुछ ज़्यादा चार्ज लो, इतने रात को आए, तो वो भी उसने मना किया, उसने ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए और हमें इतना ही बोला अभी आप आराम करो, टेंशन मत रखो। वो निकल भी गया। इस तरह हमें बापू ने गोवा में भी अनुभव दिए, तभी से मेरे पति और ज़्यादा विश्वास करने लगे कि सच्चे बापू ये सद्गुरु तत्व कैसे है। हरिओम बापू अम्बद्न श्री राम।